हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है घड़ी के दुकान पर आपको रुकी हुई घड़ी में हमेशा 10:10 ही क्यों होता है? और आपने देखा होगा कि घड़ी सर्फ या साबुन के पैकेट पर जो घड़ी की इमेज बनी होती है उसमें भी 10:10 ही क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आइए जानते हैं घड़ी की सुइयों के 10:10 पर रहने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा या नागासाकी में से किसी एक शहर पर इसी समय परमाणु बम गिराया गया था। हालांकि यह समय 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जो बम गिराया गया था उनके काफ़ी करीब है। नागासाकी पर स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9:02 पर यह बम गिराया गया था, जबकि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर परमाणु बम गिराया गया था। दूसरा तर्क यह है कि वी फॉर विक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जब घड़ी की सुइयां 10:10 पर होती हैं तो यह अंग्रेजी के अक्षर वी का आकार बनाती हैं। वी को विक्ट्री यानी जीत से जोड़ा जाता है, इसलिए भी दुनिया भर की घड़ी निर्माता कंपनियों की घड़ियां की सुइयां यहीं पर ठहरी रहती हैं। इसके पीछे कुछ कंपनियों का तर्क यह भी है कि एक मशहूर घड़ी निर्माता कंपनी का कहना है कि इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। कंपनी ने कहा, जब घड़ी की सुइयां 10:10 पर होती हैं तो यह एक स्माइल की तरह दिखती हैं। घड़ी निर्माता कंपनियां चाहती हैं कि उनका उत्पाद ग्राहकों के लिए मुस्कुराते चेहरे की तरह दिखे। इसका एक और फ़ायदा यह होता है कि कंपनी का ट्रेडमार्क या लोगो घड़ी के डायल के ऊपरी हिस्से में 12 अंक के ठीक नीचे स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ तर्क यह भी है कि जब 10:10 यह एक ऐसा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं, इसकी वजह से घड़ी का पूरा नज़ारा दिखता है। यही नहीं, आमतौर पर रिस्क वॉच में 3, 6 व 9 की जगहों पर तारीख दर्शाई जाती है। तारीख दर्शाने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे 3, 6 या 9 के पास ही दर्शाया जाता है। यदि आपको और कोई तर्क पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।